दहेज हत्या के मामले में होमगार्ड एवं सेना के जवान को मिली आजीवन कारावास की सजा। दहेज हत्या मामले में होमगार्ड जवान और सेना के जवान को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने आज शुक्रवार को सजा सुनाई है। घटना चास थाना क्षेत्र के कैलाश नगर की है। होमगार्ड जवान और उसके भाई ने पत्नी की गला दबाकर दहेज के लिए कर दी हत्या। मृतका संगीता कुमारी बिहार के भोजपुर सोनबरसा की रहने वाली थी, जिसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने दी है। जानकारी के मुताबिक बिहार के सोनबरसा की रहने वाली संगीता कुमारी की शादी 27 जून 2018 को चास कैलाश नगर के रहने वाले बेरोजगार निरंजन पांडे के साथ हुई थी। डेढ़ महीने बाद निरंजन की होमगार्ड में नौकरी लग गई। उसके बाद से ही निरंजन और उसका सेना में तैनात भाई नीरज कुमार पांडे दहेज की मांग करने लगा। लगातार संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी दौरान 2 अप्रैल 2020 को घर में संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामले में चास थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया और इसी मामले में आज पति और उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। जीबीएन 24 न्यूज के लिए बोकारो से अमरनाथ पोदार की रिपोर्ट। सूचना मिला दूरभाष के माध्यम से, कोई अज्ञात व्यक्ति है जो हैंगिंग करके लटका हुआ है वो, तो उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो भीड़ लगा हुआ था। एक व्यक्ति द्वारा उसे पहचान किया गया, कि व्यक्ति आनंदा का फादर है और वो कोऑपरेटिव कॉलोनी 27 प्लॉट में रहता था और वो कुछ मेंटल डिसऑर्डर था। अपने काम करने के दौरान ही उसके वजह से वो रस्सी लगा करके आत्महत्या कर लिया। क्या नाम है? छोटू दा। क्या उम्र होगा? अब पुलिस क्या करे इसका? हम लोग इंक्वेस्ट और बॉडी चलान करने के बाद उनके जो परिजन के साथ हम लोग इंक्वेस्ट पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनको सबूत कराया जाएगा।